नमस्ते फ्रेंड्स, गर्मियों में कटहल बहुत ही मात्रा में मिलती है, तो इसलिए मैं आज आपके लिए कटहल की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ कटहल के वड़े की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम ओडिया में पौणसो सिक्का बोरा बोलते हैं। तो रेसिपी को पूरा देखें ताकि आप एक भी स्टेप मिस ना करें। अब और देर ना करते हुए चलिए इसे बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 किलो कटहल लिया है, जिसको हमने काट के 1 सीटी आने तक तेज आंच पे प्रेशर कुक कर लिया है। यहाँ पे हमने कटहल को बॉईल करके स्ट्रेन करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर दिया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर करके अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। फिर एक उबले हुए मध्यम आकार के आलू को डाल के मैश कर लेंगे। अब हम करीबन 20 से 25 लहसुन की कलियों को ऐसे क्रश करेंगे। फिर 1 इंच अदरक डाल के क्रश कर लेंगे। और आखिर में 2 हरी मिर्चों को डाल के साथ में क्रश करेंगे। और फिर हम इसे आलू और कटहल के मिक्सचर में डालेंगे। फिर 2 रफली कटे हुए प्याज डालेंगे। फिर 1 टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे। और आखिर में स्वाद अनुसार नमक डाल के सारे चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 1/2 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून चावल का आटा डाल के मिला लेंगे। अब टिक्की का मिक्सचर तैयार है, चलिए इसे फ्राई करते हैं। तवे को पहले गरम करें और सरसों का तेल ग्रीस कर लें। हाथों को थोड़ा सा गीला करें और टिक्की मिक्सचर का एक छोटा सा पोर्शन ले और एक मीडियम थिक टिक्की बना ले। फिर इसे गरम तवे के ऊपर मध्यम आंच पे रखें, जैसे कि ये जले नहीं। इसी प्रकार हाथों को गीला करके टिक्कियों को बनाएं और तवे पे रख लें। बॉटम साइड को हमें क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है और ऊपर से थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लें। बॉटम साइड अच्छी तरह से पकने पर हम इसको फ्लिप करेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करके दूसरे साइड को पका लेंगे। और टिक्कियों को पकाते वक्त आवश्यकता अनुसार तेल ग्रीस करते रहें। पैचुला के माध्यम से टिक्कियों को प्रेस कर ले ताकि अंदर से ही इवेंटली कुक हो और कच्चा स्मेल ना रहे। दोनों तरफ से टिक्कियां अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर में निकाल देंगे। अब इसी प्रकार हम बाकी टिक्कियों को बना लेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म कटहल के वड़े बन के तैयार है और आप इसे दाल चावल के साथ परोस सकते हैं।
साथ में ये पनता भात के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही कुकिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।